नरसिंहपुर जिले से, जहां नरसिंहपुर में एक बार फिर पराडकर हॉस्पिटल विवाद गहराता नजर आ रहा है। जी हां, आवेदक रामकेश के आवेदन पर नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया है, जिसका लिखित जवाब दस्तावेजों सहित अस्पताल प्रबंधन को थाना प्रभारी कोतवाली को देना है। पूरा मामला नरसिंहपुर के पराडकर हॉस्पिटल का, जहां पराडकर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज करवा रहे रामकेश के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके चलते रामकेश ने पराडकर हॉस्पिटल प्रबंधन, डॉक्टर पराग पराडकर और डॉक्टर प्रांजल पराडकर पर हत्या या हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज करने का आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव को दिया था। आवेदक के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना प्रभारी उमेश दुबे को निर्देश देते हुए अस्पताल प्रबंधन को एक नोटिस जारी करने की बात कही है, जिसका जवाब तय समय में हॉस्पिटल प्रबंधन को देना है। कोतवाली थाना प्रभारी ने आवेदक के पिता के भर्ती होने से लेकर रिफर होने तक की सारी जानकारी लिखित में दस्तावेजों सहित मंगाई है। नोटिस का जवाब आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर आगे की कार्रवाई नरसिंहपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी, ये मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड कंप्लेंट थी, तो उस संबंध में हमने यहाँ से हॉस्पिटल को भी उसमें नोटिस देकर उस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए अवगत कराया गया है। साथ में एक CMHO साहब को भी हमने उस पत्र जो आवेदन आया था उसकी कॉपी भेजी है कि वो अपने स्तर से इसमें जाँच गठित कर हम लोगों को सूचित करें कि यदि इसमें कोई पुलिस हस्तक्षेप की योग्य कोई कार्रवाई होनी है तो हमें अवगत कराएं। शिकायत से संबंधित नोटिस दिया है कि इस संबंध में उनका क्या हाल है। नरसिंहपुर से विवेक पटेल की रिपोर्ट।